Hello friends, welcome to the Super Sunday from MyBelly Coaching Classes. दोस्तों पिछले लगभग 6-7 Sundays हो गए हमारे जिसको हम Super Sunday कहते हैं। इस संडे आपको रेगुलर आपके स्टडीज में से थोड़ा ब्रेक भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी चाहिए, थोड़ा चेंज भी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सुपर संडे को आपके लिए एक थोड़ा अलग सेशन लेते हैं जिसको हम सुपर संडे कहते हैं। और उस दिन हम लोग कुछ तुम्हें मोटिवेशनल बात करते हैं, कुछ टेक्निकल बात करते हैं, कुछ आपके स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे लास्ट संडे को हमने आपके हैबिट्स के बारे में बात किया था कि किस तरह से बुरी आदतें लगती हैं, बुरी आदतें निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी आदतें अगर हमको हमें इनकलकेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हमने लास्ट संडे को देखा था। दोस्तों हमने एक बात देखा है कि आप सभी लोग जो है आप सबको यू रियली वॉन्ट टू डू वेल इन योर लाइफ, आप सबको ही अच्छा करना है। तो फिर हम लोग लेकिन हम देखते क्या है कि समझो हमने 50 बच्चे चूज कर लिए तो 50 में से लगभग 44 बच्चे तक हमने अगर ले लिए तो हमको दिखता है कि दे आर नॉट डूइंग वेल, द टॉप 5 टॉप 6 दे आर कंटिन्यूसली डूइंग वेल। अब ये जो बाकी जो हमारे 40-42 नीचे के बच्चे हैं ये दे आर इक्वली गुड, लेकिन वो कहाँ गलती करते हैं। अब गलती करती है ये कहाँ कर रही है उनको मालूम नहीं है। अब ये थोड़ा सा इस बहाने हम आज का जो हमारा सुपर संडे है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे कि आपको आप कहाँ लैक कर रहे हो, बस आपको ये बताना है। अब ये जो ऊपर के जो 5-6 बच्चे हैं वो उनमें क्या ज़्यादा चीज़ है मुझे बताइए। वो रेगुलरली अच्छा कर रहे हैं, वो स्टडीज़ अच्छा करते हैं, सब कुछ ही अच्छा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको, उससे क्या हो जाता है कि अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब कॉन्फिडेंस आने से ऐसा होता है कि आप में रेगुलरिटी आती है, सेल्फ डिसिप्लिन आती है, सब कुछ ही आता है। अब एक बार ये सब चीज़ें आ गई तो आप अपने आप ही हर चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो। ये नीचे के जो बच्चे हैं हमारे उनका प्रॉब्लम ये है, ये लगभग देखिए 85-90% बच्चे ऐसे हैं कि दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा अपन कर सकते हैं यही उनको समझता नहीं है, वेयरएज दे आर इक्वली गुड, वो उतना ही अच्छे हैं जितने हमारे टॉप के 5-6 बच्चे हैं। अब इनमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है उसको हम भर दे तो कितना मजा आ जाएगा, वो भी उतनी ही चीजें आसानी से कर पाएंगे कि जितने हमारी ये टॉप 5 करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो बात करेंगे वो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में बात करेंगे। हमारे आज का प्रेजेंटेशन का नाम है राइड ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उनको देखने की ही जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अच्छा करते जाते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, आज का जो हमारा सुपर संडे है वी विल डोनेट इट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम किस तरह से अपना बढ़ा सकते हैं उस पर हम लोग आज बात करते हैं। चलो आज की शुरुआत फिर ऐसा करते हैं कि ये जो टॉप 5 बच्चे हैं इनके बारे में बात करते हैं। क्या सक्सेस जो है, सक्सेस नॉट ओनली अबाउट स्टडीज बट ऑल्सो इन लाइफ, क्या ये सब ये 5-6 बच्चों का ही लिए रिजर्व है, आप बताइए। लेकिन इनके तरफ इनका कंटिन्यूस राइज देख के ऐसा लगता है कि बस यही 5-6% के जो बच्चे हैं वही आगे जा सकते हैं, वही लोग आगे जा सकते हैं, बाकी जा नहीं सकते, ऐसी बात है क्या। Who can own success? किसकी सक्सेस है, किसी की मक्तेदारी है क्या। एक बात क्लियर बता देता हूँ, सक्सेस और ग्रेटनेस डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर एज, एनी पर्टिकुलर क्लास, एनी पर्टिकुलर बैकग्राउंड और एनी पर्टिकुलर फैमिली। ये ऐसे किसी एक की यानी जागीर नहीं है कि भाई बस यही लोग जो है अच्छा कर सकते हैं और बाकी नहीं। इट बिलोंग्स टू दोज, ये उनकी भी वो बाकी लोग भी उतना ही अच्छा कर सकते हु हैव कंप्लीट फेथ इन देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट दे कैन सक्सीड। अब देखिए इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू वेल यू विल डू वेल। अब इसमें किसी फैमिली का, किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का ऐसा कुछ स्टैंप नहीं है कि हम ही ये सब कर सकते हैं या आपकी फैमिली जो है बहुत अमीर है इसलिए इनको सब फैसिलिटीज है, नो नॉट एट ऑल। सक्सेस ग्रेटनेस ये स्टडीज में रहने दो या लाइफ में रहने दो, ये ऐसा किसी का पर्टिकुलर उसकी जागीर नहीं है। एनी बडी जिसको अपनी एबिलिटीज पे बिलीफ है
वो अच्छा कर ही सकता है। अब देखिए, अब ऑल फैक्टर्स, अब आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। तो आप बोलेंगे व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाई नॉट अदर फैक्टर्स। अब दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं? दूसरे फैक्टर्स है जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हमने एक सब्जेक्ट पे आपसे बात किया है वो है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा एक है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब जो चीज़ें हैं यार वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब जो क्या है, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं। मतलब आप मेहनत लेके ये सब चीज़ें डेवलप कर सकते हो, लेकिन द एस्पेक्ट अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक नाउ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट एन इंटरनल फैक्टर। प्रॉब्लम विद एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या है कि दैट वो आप अक्वायर कर सकते हो, लेकिन उन पर कंटिन्यूअसली आप अगर काम नहीं करते हो तो वो क्या हो जाता है, कुछ दिनों के बाद में आपका डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो आपस में। मतलब कैसा कि आप पर्सनलिटी डेवलपमेंट, आपको किसी ने सिखाया कि आप इस अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छे बूट पहनो, आप अच्छे रहो, आप स्माइलिंग फेस रखो, जब तक ये आपको बताया किसी ने तो आप क्या करते हो, ये तुरंत इस पर अमल करते हो और आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन रोज का हमारा जो दिन है वो अच्छा नहीं रहता। किसी दिन हमको डांट खानी पड़ती है, किसी दिन हमारा इंसल्ट होता है, किसी दिन हम अच्छा नहीं करते हैं, उस दिन फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिजेक्शन आ जाता है, और जैसे ही डिजेक्शन आ जाता है ये एक्सटर्नल चीजें जो है ये काम करना बंद कर देती। हमको किसी ने बोला है अच्छा यार स्माइलिंग फेस रखो, आप बोलोगे यार आई एम बीइंग इंसल्टेड, और मैं कैसे स्माइलिंग फेस रखूं? अब यहाँ प्रॉब्लम आपका नहीं है, यहाँ पर एक्सटर्नल चीजें जो है ये बॉडी लैंग्वेज हो गया, ये पर्सनलिटी डेवलपमेंट हो गया, दे आर वंडरफुल, लेकिन जब तक आपका सिचुएशन अच्छा है तब तक आप उस पर काम कर सकते हो। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो अंदर से आती है। अब अंदर से आती है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अंदर से ही अगर हम लोग अपने आप को ठीक कर लेते तो प्रॉब्लम कैसा आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम लोग, आपको कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, एक बात ध्यान में रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द इनर स्ट्रेंथ ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द इनर स्ट्रेंथ ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, इट इज वंस ओन फेथ। अब ये आपका फेथ है, इट इज वंस फेथ इन वंस ओन एबिलिटीज, आप में जो एबिलिटीज है इस पर आपका जो विश्वास है इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिंस इट इज इनसाइड वी नीड टू लुक इनवर्ड नॉट आउटवर्ड, क्योंकि बाहर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ मिलेगा आपको, अंदर ही मिलेगा। फिर आप कैसा, हाउ टू गो अबाउट इट, अब कैसा क्या करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटी चेंज, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला मैटर नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है पर्सनल डेवलपमेंट, अंदर से डेवलपमेंट। एक बार आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो ना, कोई आपका इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन जरूरत है अंदर से चेंज होने की, दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनल चेंज। एंड द ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लुक इनसाइड टू फाइंड इट। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस है कहाँ, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अंदर है, अब अंदर है तो थोड़ा अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए हम हमारी लाइफ में जो जो चीजें होती है ना उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की जरूरत है, वरना अदरवाइज क्या है, उस पर हमारा रिएक्शन कैसा है उस पर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारा डिपेंड करता है। अब ये चेंजेस जो होने हैं कैसे करने के, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अबाउट चेंजिंग अवर अप्रोच, चेंजिंग अवर एटीट्यूड, चेंजिंग अवर थिंकिंग प्रोसेस, किस तरह से हम सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड कोई भी चीज़ की तरफ देखने का कैसा है, कैसा हम हमारा अप्रोच है। कोई भी आपको बता दिया है कि, जैसे आपको बता दिया है कि कल आपका एग्जाम है, अब इस पर आपका अप्रोच कैसा रहेगा, कल एग्जाम, अरे बाप रे हमको तो बताया भी नहीं है, सरप्राइज टेस्ट है। अब सरप्राइज टेस्ट जो हम बताते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें है, जो हम टॉप 5-6 बॉयज की बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, वो क्या कहते हैं, कल टेस्ट है, ओके नो प्रॉब्लम वी विल मैनेज। वो क्यों मैनेज कर सकते हैं, वो इसलिए है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर भरा हुआ है, दे हैव फेथ इन देयर ओन एबिलिटीज,
कि हम लोग कर पाएंगे। अब ये बाकी बच्चों को फैथ नहीं है, इसलिए अरे बाप रे हमको तो बताया भी नहीं, ये क्या बात हुई, ऐसा रहता क्या? अब हमको कम मार्क मिलेगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अरे नेचुरली भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द थिंग इज दैट यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वाई यू आर रिस्पॉन्डिंग इन सच अ वे। ठीक है, अब बात ऐसा है कि ये पर्सनैलिटी जो चेंजेस नहीं करना है, पर्सनल चेंजेस जो हमको करना है वो हम पहले से लेके मतलब कभी भी ट्राई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द गेटवे टू सक्सेस। जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना है तो देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम क्या कर सकते हैं? अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको एक अच्छी चीजें बताते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मेजर्स। अब आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, अब इस पर आपका रिएक्शन कैसा रहता है? अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप हर चीज के बारे में अच्छा सोचोगे। हमने क्या देखा है, योर अप्रोच, योर एटीट्यूड एंड योर थिंकिंग प्रोसेस, ये तीन चीजों की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब देखो कैसे, ऑलवेज ट्राई टू मेक राइट चॉइस। अब राइट चॉइस का मतलब कैसा, इट इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग चॉइस अबाउट योर करियर। आप 10th हो जाओगे, 12th हो जाओगे, कि उसके बाद में क्या करना है, ये करियर का जो चॉइस है दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर लाइफ वे, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जब भी आप अपने करियर के बारे में चॉइस करोगे, इट हैज टू बी अ स्पॉट ऑन। इफ इट इज परफेक्ट यू मेक योर लाइफ एंड इफ इट इज पुअर यू ब्रेक योर लाइफ, क्योंकि दैट इज गोइंग टू क्रिएट ऑल द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अब एक बात देखिए, इस तरह इसलिए आपके लिए जरूरी है कि यू नीड टू असेस योर पोटेंशियल, आप में क्या अच्छाई है उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि आपको करियर के बारे में यू नीड टू मेक अ राइट चॉइस। अगर सही डिसीजन लोगे अपने करियर के बारे में, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उन्होंने पहले या बाद में अपने करियर के लिए ऑलवेज अ परफेक्ट चॉइस चूज किया है। आपने राइट चॉइस लिया करियर के बारे में, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड वंस द डिसीजन इज राइट, वंस द चॉइस इज राइट, आप अपनी पसंद की चीज जब करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। फॉर अब दूसरी बात, जिंदगी में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या फेल्यूर्स नहीं आती है? वेल फेल्यूर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कोई इशू ही नहीं है, आने यार इतने सारे फेल्यूर्स आ सकते हैं अलग अलग, और फेल्यूर्स के सिवा तो और कोई लाइफ ही नहीं। फेल्यूर्स क्या है, एक बात एकदम क्लियरली देखिए, व्हेन यू अटेम्प्ट अ टास्क, एक कोई भी टास्क आपको दे दिया है और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और यू डोंट सक्सीड, आपको लगता है आप फेल हो गए, बराबर है? दूसरी बात, आपकी लाइफ में कोई चीज आप जिस ढंग से करना चाहते हो उस ढंग से आप उसे नहीं कर पाए, तो यू कॉल इट अ फेल्योर। हर कोई उसमें इशू ही नहीं है, कोई बात नहीं, इस तरह के फेल्योर्स आते ही रहेंगे लाइफ में। अब एक बात बताइए, इस तरह के फेल्योर्स आने दीजिए ना, ये फेल्योर्स आते ही इसलिए हैं हमको कि इससे हम सक्सीड हो सके, इससे हम आगे जा सके। अब एक बात आपको बता देता हूं, ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो सिंसियरली ट्राई करता है और वो फेल होता है। आप जब भी फेल होते हैं, आपके दिमाग में एक बात एकदम पक्की बिठा लीजिए कि आपकी एफर्ट्स में सिंसियरिटी नहीं थी। सिंसियर एफर्ट्स जो है वो कभी भी वेस्ट जाएंगे नहीं। हमारे थॉमस एडिसन कहते हैं कि यू शो मी अ पर्सन हुज लाइफ इज अ टोटल वेस्ट डिस्पाइट सिंसियर एफर्ट्स। क्या सिंसियर एफर्ट्स करने के बाद में ऐसा कोई आदमी है कि जो टोटल वेस्ट है? बिल्कुल नहीं है। आप बार बार कहते रहते हो कि यार इतनी कोशिश किया फिर भी नहीं जमा, कैसे जमेगा? दैट इज बिकॉज वो जो कोशिश किया ना, दैट वॉज नॉट सिंसियर, दिल से एफर्ट्स नहीं थे, वो ताकत से नहीं थे, पूरे प्लान नहीं था। इसलिए जब भी एफर्ट्स करो तो दिल से करो, सिंसियर एफर्ट्स विल नेवर एवर बी कॉल्ड फेल्योर। सिंसियर एफर्ट्स आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे। अब फेल्योर से आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, उसके बारे में क्या सोचा है दोस्तों? एवरी फेल्योर इज अ बिग लेसन इन योर लाइफ।
व्हेन वी ब्रूड ओवर द मिस्टेक्स, अब हर एक से तो मिस्टेक्स होती है, फेल्योर होता है, अब ठीक है ना, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि इफ यू ब्रूड ओवर द पास्ट, इफ यू ब्रूड ओवर द मिस्टेक, कि अरे यार ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, अब कैसा करेंगे यार, आई एम अ सिली फेलो, इतनी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, अब यार हो गई तो हो गई, अब क्या करोगे, उस पर ही पूरे बात करते रहोगे क्या? जैसे ही आप अपने फेल्योर के बारे में जितनी देर तक ज्यादा ज्यादा बात करते रहोगे, क्या होगा, वो फेल्योर से मिलने वाला लेसन जो है, यू विल मिस द लेसन। फेल्योर इज इनएविटेबल, हर एक के लाइफ में फेल्योर आना है, लेकिन उसके साथ में आने वाला जो लेसन है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो देखो आप क्या है, उससे जो सीखना है वो सीखो। एक बात आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री इज फिल्ड विद ऑल दोस पर्सन, पूरा इतिहास भरा है ऐसे लोगों से कि जिन्होंने गलतियां की है, गलतियां की है, गलतियां की है, लेकिन जिन्होंने गलतियों से सीखा है बस वही अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए हैं। अब कितने लोगों के नाम गिना दो, थॉमस एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, थॉमस कार्लाइल, इन सब के बारे में चाहे तो हम बाद में बात करेंगे, इस प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे, लेकिन ये सब जो लोग हैं ये सब अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्टेज में फेल हुए हैं, लेकिन दे नेवर मिस द लेसन, जो फेल्यूर के बाद में मिलने वाला लेसन है उससे उन्होंने जो सीखना है वो सीखा, इसलिए बाद में लाइफ में कभी फेल्यूर मिला नहीं। अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं डेवलप होता है, आपको लगता है मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं जमता है, मुझे साइंस में पर्टिकुलरली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि मेरा संस्कृत ठीक नहीं है, एक बार आपके दिमाग में ये फियर बैठ गया ना इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, तो ये फियर निकलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा अगर उस पर हम मेहनत करें फियर पे, तो आपको क्या लगता है कि फियर और कॉन्फिडेंस ये दो में से एक ही चीज आपके दिल में रह सकती है, आइदर फियर और कॉन्फिडेंस, इट्स योर चॉइस क्या रखना है दिल में। डर रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो कुछ भी कर जाओगे। अब फियर के बारे में क्या कहते हैं, FEAR, फॉल्स एग्जैजरेशंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर, मतलब जो गलत चीजें हैं उनको हम सही समझ लेते हैं और वही हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फियर। अब देखिए, आपने कहा कि मुझे फिजिक्स नहीं जमता, अब फिजिक्स का फियर अगर दिमाग में बैठ गया ना दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा कि कभी फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। मेहनत करके बैठो, सपोज यू हैव सम प्रॉब्लम्स अबाउट फिजिक्स अपने, या तो पहले दोस्तों के साथ में बैठो जिसका फिजिक्स अच्छा है, तब भी अगर आपकी बात नहीं बनती है तो फिजिक्स सिखाने वाले सर से बात करो, उनको कहो कि सर ये मुझे पार्ट नहीं आ रहा है, और फिजिक्स नहीं आएगा तो कैसा चलेगा, आना ही चाहिए, वो आपकी जो डिफिकल्टीज हैं देखो, उनसे पूरी डिफिकल्टीज सॉल्व करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा समय फिजिक्स को दो। कोई भी चीज़ आप जब बार 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 करके देखोगे तो आपको आने लगेगी, अब जैसे ही आने लगेगी तो फिजिक्स का फियर जो है वो निकल जाएगा, और फियर की जगह पर क्या आ जाएगा, अरे यार फिजिक्स का कोई इशू नहीं यार, आई लाइक फिजिक्स, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया अंदर तो नेचुरली व्हाट यू विल फाइंड, फियर हैज मेड वे फॉर कॉन्फिडेंस। मैंने पहले ही बोला है आपके दिल में दो में से एक चीज रह सकती है, आइदर फियर और कॉन्फिडेंस, इट्स योर चॉइस आपको किसको अंदर रखना है। और कितने भी बड़े लीडर्स ले लो ना, सब डरते थे इनिशियली डरते थे, बाद में नहीं। अब जैसे पंडित नेहरू ले लीजिए, अब नेहरू जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो वहां पर क्या होता था कि हर बच्चे को असेंबली में एक सब्जेक्ट पर 5 मिनट बात करना रहता था, रोज एक एक नया सब्जेक्ट, एक एक नया बच्चा रहता था और उसको 5 मिनट बात, कैम्ब्रिज लंदन में है, ठीक है, नेहरू जी वहीं पढ़े हैं। नेहरू जी ने लिखा है कि मैं बात करने से, स्पीच देने से इतना घबराता था कि मैं, मेरा जब भी नंबर आता था असेंबली में बात करने का, उसमें एक नियम था, आइदर यू विल गिव स्पीच, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज, आज के हिसाब से हम बताते हैं 50 रुपए, आपको यू विल बी पेनलाइज फॉर 50 रुपीज, या फिर 50 रुपए भरना। तो नेहरू जी बताते हैं कि मैंने पहले साल, मेरा जैसे ही नाम आ जाता था मैं 50 रुपए भर देता था,
क्योंकि मैं डरता था कि मैं अच्छा स्पीच नहीं दे पाऊंगा या फिर स्पीच देते देते रुक जाऊंगा। अब देखिए, अब पंडित नेहरू बाद में उनके स्पीचेस के लिए वो बहुत फेमस रहे, बहुत बड़े लीडर बने वो। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत सुंदर स्पीचेस देते थे कि लोग उनकी स्पीचेस सुनने के लिए कहाँ कहाँ से जाते थे। अब जो आदमी अपनी लाइफ में अच्छे स्पीचेस देता था, अच्छे स्पीचेस के लिए जाना जाता था, इनिशियली 50 रुपए भर के स्पीच से दूर भागता था। अब मुझे बताइए, गांधी जी को ले लीजिए। गांधी जी हमारे बहुत, ठीक है, हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, वो सब बातें और हैं, लेकिन इनिशियली ही वॉज अ लॉयर, बहुत बड़े लॉयर रहे थे, सक्सेसफुल लॉयर भी बने बाद में, वो कोई डाउट नहीं उसमें। वो साउथ अफ्रीका, इनिशियली ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में वो, उनका कहना ये था, जैसा नेहरू जी का था वैसे उनका था, मेरा पहला केस, और पहले केस में जैसे ही मुझे स्पीच देने के लिए वहां पर जज ने कहा कि यस मिस्टर गांधी नाउ इट्स योर टर्न, जैसे उन्होंने कहा मेरा टर्न है, मैं खड़ा रहा, इतने सारे आजू बाजू में लोगों को देखा, सामने जज को देखा, मुझे वहीं चक्कर आ गया। गांधी जी चक्कर आके वहीं कोर्ट में गिर गए। अब इनिशियली होता ही है, इनिशियल फियर को कोई सोल्यूशन नहीं है। इनिशियल फियर निकालने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि जो चीज का डर है वो चीज बार बार करें। बस बार बार करने से ही कोई चीज का फियर निकल जाता है। जैसे आपको मालूम है कि आपको या तो नॉलेज या बार बार करो, उस चीज के बारे में आपको नॉलेज आ गया तो आप डरोगे नहीं। अब स्पीच देना है, आपको समझ में आ गया किस तरह से स्पीच देना है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एज अ लॉयर गांधी जी को जैसे ही पता चल गया कि क्या करना है, देयर वोंट, मतलब देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसके बाद में कभी कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो इसी तरह से जैसे हम अंधेरे में बैठे, अंधेरे का डर लगता है, जैसे ही कोई लाइट लगा देता है खत्म बात। लाइट इज लाइक अ नॉलेज, जैसे ही हमको नॉलेज आ जाता है कि अंदर कुछ नहीं है, जैसे लाइट आ गया खत्म हो जाता है, अंधेरे के प्रति जो डर है वो निकल जाता है। उसी तरह या तो कोई भी चीज जिसका डर है वो बार बार करो, या फिर उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करो। आपके दिल से डर निकालने के लिए ये दो ही चीज है, न फिजिक्स का डर रहेगा, न मैथ्स का, न इंग्लिश का, न संस्कृत का, राइट? मैंने पहले ही बताया है। और ये परमानेंट चीज है, ध्यान में रखो कि आउट ऑफ द टू, फियर या सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो में से कौन सी चीज आपको दिल में रखना है आप अपना चॉइस कीजिए। फियर को भगाओ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को परमानेंटली अपने दिल में बिठा दो। दूसरा, इफ वी अलाउ फियर, अब ये फिजिक्स का या मैथ्स का, इफ वी अलाउ फियर टू टेक डीप रूट, जैसे ही उसको अंदर तक जाने हम देते हैं ना, इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज ऑल सोर्सेस ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। जैसे ही आपके दिल में अंदर तक बैठ जाता है ना मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश का फियर, वो आपको कुछ करने ही नहीं देता। स्पीच का फियर अगर आपके दिल में बैठ गया कि मुझे नहीं आता ना, आप बिल्कुल स्पीच दे ही नहीं पाओगे, वो आपको डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे। फियर का प्रॉब्लम ही अंदर तक घुसने दिया कि गया काम से। टू ओवरकम फियर वी नीड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग रिपीटेडली एंड रेगुलरली। अब जैसे कितने भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया गांधी जी का उदाहरण दिया, नेहरू जी का उदाहरण दिया, बार बार वही चीज करने से फियर अंदर तक नहीं जाएगी। फियर आसानी से अगर बाहर निकालना है तो उस चीज के बारे में नॉलेज लो, कोई देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। और मैंने कहा सिंसियर एफर्ट्स ऑलवेज ब्रिंग रिजल्ट, व्हाट वी एक्सेप्ट डू वी शुड डू इट विलिंगली। आप स्टूडेंट्स हो या आपको जो भी काम करना है, तो दैट मीन्स क्या है कि लर्निंग स्टडिंग ये आपका पार्ट है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। अब इसके बारे में बुरा मानने वाली कोई बात है? अब सिंस यू आर अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू डू दीज थिंग्स। इस पे जिसको हम बोलते हैं कि इनसे कन्नी काट के क्यों भाग रहे हो, करना तो पड़ेगा आपको, आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। वो बैठा है फिर अंदर डर, वो अंदर आने के लिए बैठा है, और एक बार अंदर आके बैठ गया तो आपको कुछ करने भी नहीं देगा, और वो क्या नहीं करने देगा आपको, एफर्ट्स नहीं करने देगा, सिंसियर एफर्ट्स दैट विल नॉट बी देयर। अब इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंसियर एफर्ट्स ऐसे अगर है रेगुलरली करते रहोगे तो देर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। कैसे देखिए, माइकल एंजेलो ये बहुत बड़ा पेंटर रहा है। अब उसका क्या रहा है कि एक पेंटिंग निकालने के लिए, एक पेंटिंग जो उसने 10 मिनट में निकाली, उस एक आदमी को उसने वो
एक पेंटिंग रेडी किया 10 मिनट में, और कोई आया और पूछा सर इसका क्या कॉस्ट है, वो बोले कि 1 मिलियन। तो बोले 1 मिलियन डॉलर, बस आपने तो इसको 10 मिनट में बना दिया। 10 मिनट में ये पेंटिंग बनाने के लिए मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सिंसियर एफर्ट्स, 10 साल से एफर्ट्स है, इसलिए इतने सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मैं 10 मिनट में पेंट कर सकता हूँ। आपको भी बता दें, जब आप साल भर मेहनत करते हो रेगुलरली, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। जब आपकी तरफ देख के अगर आपको समझो 10th का आपका स्कोर आ गया है कि आपने बोर्ड में टॉप किया, आपने बताया यार क्या बात है, बोर्ड टॉपर हो, एक्सलेंट हो, आप बोलोगे कोई एक्सलेंट एक्सलेंट नहीं है, पूरे साल की मेहनत ही है तब बोर्ड टॉपर हूं मैं। लोगों का क्या रहता है कि साल भर की मेहनत आपको नहीं देखेंगे, बस आपको बस अप्रिशिएट ही करते रहेंगे और बोलेंगे कि यार क्या बच्चा है, क्या ब्रिलियंट है। आपका आपको मालूम रहता है कि ये कोई ब्रिलियंस नहीं है, ये ब्रिलियंस जो है ये कंटिन्यूअसली साल भर से जो सिंसियर एफर्ट्स रहा हूं उसका उसका नतीजा है। ये क्या है, ये ब्रिलियंस जो है ये उसकी वजह से मेरे पास आया है। तो आप जब भी कोई सिंसियरली एफर्ट्स करोगे तो सिंसियर एफर्ट्स डन फॉर कंटिन्यूअस पीरियड दैट विल यील्ड रिजल्ट्स ओनली। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखिए, और सिंसियर एफर्ट्स आज तक कभी भी वेस्ट गए नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री लीजिए, अब्राहम लिंकन लीजिए, वॉल्ट डिस्ने लीजिए, ये सब ने क्या क्या, इन सब का क्या कहना है मालूम है, सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन, पसीना, और 1% इंस्पिरेशन। सक्सेस इज नथिंग, इट इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। ये ध्यान में रखिए, पसीना बहाना पड़ेगा, सिंसियर एफर्ट्स करना पड़ेंगे, हार्ड वर्क लेना पड़ेगा। सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट स्टूडेंट्स। और एक बात, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका ब्रिलियंस, आपको बाद में कहा जाता है कि यू आर नंबर वन, आप ये हो आप वो हो, एक्सलेंस फ्लोज आउट ऑफ हार्ड वर्क ओनली, एक्सलेंस हार्ड वर्क से ही निकलता है। लेजी लेजी लेजीनेस बोलिए, ये क्या है, जो वीक माइंड है ना उनका, ये रेफ्यूजी जिसको हम कहते हैं, लेजीनेस इज अ रेफ्यूजी ऑफ वीक माइंड, ये वहीं बैठता है। और लेजी लोग फिर क्या कहते हैं कि इतना अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, वीक माइंड है वो, क्या कहते हैं कि वीक माइंड जो है वो लेजीनेस के बारे में बात है, यार क्या करोगे, कितनी कंपटीशन है, ये नहीं है वो नहीं है, यार लाइट चली गई किस तरह से पढ़ाई करेंगे, अभी नेट नहीं है फिर ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, 500, दे हैव एक्सक्यूजेस आफ्टर एक्सक्यूजेस, क्योंकि वीक माइंड है। वीक माइंड क्या है, कुछ भी करता नहीं है दूसरा। और ऐसे लोग मैं आपको बताता हूं, जैसे जॉन मिलर को ले लीजिए, व्हेन ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, ये किताब जब लिखी थी, कैन यू बिलीव ही वाज अ ब्लाइंड, अ ब्लाइंड आदमी जो पैराडाइज लॉस्ट जैसी एक्सलेंट किताब लिख सकते हैं, कि बाद में वो अभी हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो गए हैं तब भी लोग उसके बारे में इतना अच्छा कहते रहते हैं कि पूछे वो, दैट इज अ लिटरल जीनियस जॉन मिलर। और वो क्या है कि वो अंधा है। अब दूसरा हेलन केलर के बारे में तो आप सबने पढ़ा है, क्योंकि वो आपके करिकुलम का पार्ट भी है। अब जो लेडी खुद कुछ भी नहीं कर सकती है, शी वॉज डेफ एंड डम, उसके बाद में भी क्या है, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करके काम कर रही है, डेफ एंड डैम, एंड शी ऑलवेज बिलीव्ड व्हाट शी बिलीव्ड, दैट शी इज ऑन अ मिशन ऑफ गॉड, ऊपर वाले ने मुझे कोई मिशन दिया है, अब मैं डेफ हूं डम हूं उसका यार क्या करना है, हूं तो हूं, इट डज नॉट मीन कि मैं मेरे मिशन पे जा नहीं सकती। ऊपर वाले ने इतना सुंदर मिशन दिया है मुझे, अच्छा काम करने के लिए यहां भेजा है, तो बस मैं मेरे मिशन पे निकलती हूँ, डेफ हूं डम हूं। हमारा जॉन मिलर कहता है कि है यार ब्लाइंड हूं तो हूं, इट डज नॉट मीन कि आई कैन नॉट परफॉर्म मिरेकल्स। अब ऐसे लोग अगर मिरेकल्स परफॉर्म कर सकते हैं वो कैसे, दैट इज बिकॉज दे बिलीव्ड दैट दे हैव एबिलिटीज, कंप्लीट बिलीफ है अपने एबिलिटीज पर। आप भी अपने एबिलिटीज पर विश्वास रखो, और ये फिजिक्स मैथ्स का क्या लेके बैठे, ये क्या बिगाड़ लेने वाले हैं आपको। दूसरा, वन एट अ टाइम, कोई भी काम कोशिश करो कि एक वक्त एक काम करो। आप
दो चार पांच दस काम एक साथ लेके बैठते हो, क्या होता है? नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाते हो तो आपको फिर फील आता है, अरे यार शाम जब हो जाती है नहीं हो पाया यार ये क्या। जैसे ही आप कहते हो कि मुझसे ये काम नहीं हो जाता है, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिग्री जो है वो डाउन होता है। जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्या चीज अंदर से ऊपर आती है? फियर। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आने के लिए एक काम करना, वन वर्क एट ए टाइम, एक वक्त एक ही काम करो, दूसरा काम की तरफ ध्यान मत दो। सेंसिबल थिंकिंग अगर अपना रखो और सेंसिबल थिंकिंग के साथ एक वक्त एक काम करो। अब जब जितने भी बड़े लोग, महात्मा गांधी का मैंने आपको फियर के लिए उदाहरण दिया, महात्मा गांधी का इसके लिए भी उदाहरण दो। महात्मा गांधी का कहना यह था कि वन थिंग एट अ टाइम इज इनफ फॉर मी, मैं एक वक्त एक ही काम करता हूं, बस वो हो गया फिर दूसरे काम को उसे खत्म ही कर देता हूं, उसके बाद में दूसरे जॉब को हाथ लगाता हूं, अदरवाइज क्या चलेगा? नहीं। नेपोलियन का भी परसेप्शन यही है, वो बोलता था मेरे ब्रेन में बहुत सारे ड्रॉवर्स हैं, इसमें वॉर के लिए है, इसमें वाइफ के लिए है, इसमें और कोई चीज है, मीटिंग लेना है, ऐसे बहुत सारे ड्रॉवर्स हैं, मैं क्या करता हूँ एक वक्त एक ड्रॉवर खोलता हूँ, क्या है उसमें देखता हूँ, वो चीज अटेंड करता हूँ, वो ड्रॉवर बंद कर देता हूँ, फिर दूसरा ड्रॉवर खोलता हूँ। बस गांधी जी यूज टू डू द सेम थिंग, उनका कहने का तरीका ये था कि मैं एक वक्त एक काम करता हूँ। नेपोलियन कुछ अलग ढंग से कहता था। आपको भी एक ही बात ध्यान में रखना है, एक वक्त एक बात। जैसे मैथ्स की अगर आप स्टडीज कर रहे हो, एक 20-25 आधा घंटा हो गया है, अचानक दिल में आता है कि यार वो इंग्लिश का रह गया यार अभी, अरे इंग्लिश का रह गया ठीक है, मैथ्स को फिनिश करते हैं, देन ओनली वी विल रिवर्ट टू इंग्लिश, तभी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। बीच में कोई भी चीज छोड़ो मत अपना। और दूसरी एक बात, जैसे ही एक चीज करते हो ना, खत्म हो गई ना वो चीज, कि इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, फिर से दूसरी चीज को हाथ लगाते हो। जब भी आपको फील होता है मैथ्स मेरा हो चुका है, इंग्लिश मेरा हो चुका है, ऐसा फील आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वन वर्क एट अ टाइम इज द बेस्ट थिंग। और एक बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेट वर्क्स आर ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय स्ट्रेंथ से नहीं होते हैं। ग्रेट वर्क्स आर नॉट परफॉर्म बाय स्ट्रेंथ, दे आर परफॉर्म बाय परसीवरेंस। अब परसीवरेंस का मतलब है अपने एबिलिटीज पर विश्वास रखो कि तुम देर तक काम कर सकते हो, और जो हो गया जैसा हो गया उस पर आप विश्वास रखते हो, अपने प्रेजेंट पे विश्वास रखते हो। अब क्या आप जानते हो, सिंपल उदाहरण बताता हूं आपको, कि अगर आप रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, अगर 2 घंटे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, 2 घंटे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक जिसको हम बोलेंगे फास्ट मॉर्निंग वॉक जा रहे हो, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, कितना अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक करने के बाद में। लेकिन सब बात यहाँ रुक नहीं जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम इसी तरह का, डू यू नो दिस वंडरफुल थिंग, कि 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, ये ब्रिस्क वॉक अगर हम 20 साल तक रेगुलरली करते हैं, प्लीज नोट माय वर्ड्स, 20 साल तक फॉर 20 ईयर्स 1 घंटा जाना ब्रिस्कली, 1 घंटा आना, 2 घंटे इस तरह का मॉर्निंग वॉक अगर हम 20 साल करते हैं, तो हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं आपको मालूम है? एंटायर ग्लोब का डिस्टेंस जो है उतना हम उसका पेरिफेरल जो है वो हम कवर करते हैं, पूरा का पूरा पेरिफेरल डिस्टेंस जो है वर्ल्ड का, ग्लोब का हमारा, वो हमारा कवर हो जाता है 20 साल रेगुलरली 2 आवर्स वॉक से। अब इतना बड़ा काम अगर हम सिर्फ 2 घंटे मॉर्निंग वॉक से कर सकते हैं, तो क्या चाहिए आपको? एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स चाहिए, बस सिर्फ क्या है, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी चाहिए। लेकिन बड़े काम करने के लिए आपके दिल में क्या चाहिए? एकदम क्लियर चाहिए कि कोई बात नहीं, एक आध बार आपका बड़ा काम डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके दिल में ये चाहिए कि नहीं, मैं कर लूंगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको थॉमस कार्लाइल का मैंने इससे पहले बात बताया, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन पर थॉमस कार्लाइल ने एक सुंदर किताब लिखी, डू यू नो हाउ मच टाइम इट टुक टू कंप्लीट? 8 ईयर्स, 8 साल लगे थॉमस कार्लाइल को वो किताब रेडी करने में। अब आगे की मजा देखिए, थॉमस कार्लाइल की जो उस समय मैनुस्क्रिप्ट थी, उसने बराबर पूरी किताब बनाई, 8 साल की सुंदर किताब बनाई,
और अब रेडी हो गया कि वो बोले चलो अब ये फाइनल हो गई किताब, अब इसको अपन प्रिंटिंग के बारे में सोचते हैं। कार्लाइल कहीं और गए, थोड़े दोस्त के यहाँ अपने काम के लिए, सुबह गए शाम को वापस आए, देखा तो किताब है ही नहीं वहां। देखा तो 8 साल से जो किताब बनाई है वो वहां है नहीं, एकदम डिस्टर्ब। अरे बाप रे, किताब कहाँ गई मेरी? अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाया कि किताब कहाँ गई, तो उनकी मेड ने बताया, उनके घर में काम करने वाले मेड ने बताया कि एक थोड़ी सी गलती कार्लाइल से ऐसी हो गई, यहां पर मैं थोड़ा बीच में बताना भूल गया, कि जो किताब वो यहां पर रखते थे, वहां पर का मेरा मतलब है जो टेबल पर रखते थे, वो किताब उन्होंने नीचे रख दी और दोस्त के यहाँ चले गए। मेड ने आके बड़े ही इनोसेंटली बता दिया कि सर नीचे आपकी टेबल के नीचे बहुत सारे पेपर्स वेस्ट पड़े थे, इतना बड़ा गट्ठा पड़ा था वेस्ट पेपर का, मैंने वो लिया और जला दिया। अब बताइए, 8 साल की मेहनत वो मेड ने वेस्ट पेपर करके जला दिया, क्या करेंगे? थॉमस कार्लाइल वॉज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट, क्या करना, पागल हो जाने का काम था बिल्कुल, वो शॉक। लेकिन अब आगे की मजा बहुत अच्छी है। आफ्टर हाफ एन आवर ही रिकवर्ड कंप्लीटली, आधे घंटे के बाद में ही थॉमस कार्लाइल खड़े हो गए और कहा चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बुक लिखना है मतलब लिखना है। जो बुक लिखने के लिए 8 साल लगे थे और वो मेड ने जला दिया था, वो किताब लिखने का फिर से आधे घंटे के लिए, वो किताब लिखने के लिए फिर से थॉमस कार्लाइल बैठ गए। अब एक ही फायदा हुआ कि जो किताब लिखी थी 8 साल बैठ के, दैट वाज ऑल इन द माइंड। इसलिए इनिशियल किताब, पहली किताब लिखने के लिए 8 साल लग गए, बाद में जो किताब लिखा वो 2 साल में कंप्लीट किया, लेकिन 2 साल लगे वो किताब। तब उन्होंने क्या किया था, हाफ एन आवर में डिसीजन ले लिया कि मैं फिर से ये बुक लिखूंगा। और आज भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे थॉमस कार्लाइल की लिखी जो बुक है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल बुक्स, एक्सेलेंट बुक्स है। ठीक है, अब इसी तरह चलते रह गया। थॉमस कार्लाइल का एक मैंने उदाहरण दे दिया, आप चाहे तो आइजैक न्यूटन का उदाहरण ले लीजिए। न्यूटन का भी ऐसी एग्जाम्पल्स था कि न्यूटन के बहुत सारे रिसर्च पेपर जो उन्होंने बना के रखे थे। अब न्यूटन के घर में एक पेट, पेट क्या थी, एक बिल्ली जो थी वो पेट थी। अब ऐसे ही न्यूटन ने अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर रेडी किए और अपने टेबल पे ही रखे, उन्होंने थॉमस कार्लाइल की तरह नीचे भी नहीं रखे। बस थोड़ी देर में आके देखते हैं तो क्या कि वहां पर वो पेन से लिखते थे। अब पेन के लिए जो बहुत बड़ी इंक की बोतल थी, वो इंक की बोतल वो पूरी तरह से वो टेबल पे गिर गई है और धीरे धीरे पूरा जो इंक है वो सब रिसर्च पेपर पे आ गया और उनकी बिल्ली जो है वो वहां पर टेबल पे बैठी है चुपचाप। उन्होंने 1 मिनट में ताड़ लिया क्या हो गया, उन्होंने देखा कि ये बिल्ली से ये बोतल गिर गई है और ये बोतल का पूरा इंक जो है वो पूरा का पूरा मेरे रिसर्च पेपर पे आ गया। हंसे बिल्ली की तरफ देख के कि चलो तुझे यही समय मिल गया ये सब करने के लिए। बिल्ली के पास आए, उसकी पीठ थपथपाए, चलो कोई बात नहीं फिर से करते हैं। ये रिसर्च पेपर लिखने के लिए न्यूटन फिर से बैठ गए और क्या हो गया, बस इनिशियली महीना लगा है, अब 6 दिन में 7 दिन में हो गया। दैट इज बिकॉज पहली जो मेहनत थी सिंसियर एफर्ट से, तो जो कुछ भी था दिमाग में था, महीने भर का काम 8 दिन में कर लिया। लेकिन कर लिया, रोते नहीं बैठे। वो इसलिए रोते नहीं बैठे He always had a firm belief in his abilities कि मैंने तो किया है ये, अब मैं नहीं करूंगा फिर से तो और कौन करेगा। दोस्तों फिर करने को बैठे, फिर कर लिया। This is called perseverance, घबराने का नहीं। कोई बात नहीं ना, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आपको भी बता देता हूं लाइफ में इसी तरह से प्रॉब्लम आएंगे, पीछे पड़ो, ऐसे कैसे नहीं होता है, फिजिक्स आता नहीं, क्या लगाया फिजिक्स में है क्या ऐसा, बैठो फिजिक्स के साथ में तो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा कि फिजिक्स फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता है। अगर हजारों बाकी लोगों को फिजिक्स आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता है? बराबर है। थॉमस एडिसन के बारे में वैसे कहा था कि उनकी पूरी लैब जो है पूरी जल गई थी। अब ठीक है, जल गई तो जल गई शॉर्ट सर्किट से,
अब उनका कहना ये था कि मेरे लिए एक चांस मिल गया, मेरे लिए एक्सलेंट चांस मिल गया कि मैं फिर से मेरी लैब जो है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके बना, दैट्स ऑल। अब और क्या चाहिए? और एक बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप में जो वीक पॉइंट्स है उसको एक्नॉलेज करो, उसको रिस्पेक्ट दो। जैसे आपको फिजिक्स नहीं समझता तो नहीं समझता, और कोई इंग्लिश नहीं आता तो नहीं आता, लाइफ में और कोई चीज़ है जैसे स्पीच देना है या और कोई चीज़ है वो नहीं आती तो नहीं आती ना। एक बार एक्नॉलेज करो एंड देन वर्क ऑन इट, उस पर काम करो। अगर कंटिन्यूअसली काम किया है और उसमें सक्सेस नहीं आया, नहीं हो सकता। अब एक बात ध्यान में, अगर जैसे कोई एक ना फिजिक्स के लेक्चरर ले लो ना, फिजिक्स के लेक्चरर को फिजिक्स की पूरी टर्म जैसे कि वैसे याद है, लेकिन क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनके नाम याद नहीं रहते। ऐसा क्यों? क्लास में बैठे बच्चों के नाम याद नहीं है इसलिए कि उनके प्रति वो सीरियस नहीं है, लेकिन बाकी जो टर्म्स है जो जिससे उनका संबंध है उसके बारे में ही इज ऑलवेज सीरियस, और वो कंटिन्यूअसली पढ़ा ही रहे हैं। अब पढ़ाते पढ़ाते हो क्या गया है, पूरा दिमाग में फिक्स हो गया है। बच्चों का रोज नाम लेके नहीं पुकारते हैं, अब इसलिए बच्चों के नाम उनको याद नहीं है, लेकिन फिजिक्स की जितने भी टर्म्स हैं वो याद है। जरूरी यह है रोज 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 करो, लेकिन उसके लिए पहले तो अपने जो वीकनेसेस है उसको एक्नॉलेज करो, और एक्नॉलेज करने के बाद में उन पे काम करो, और तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है उसको थिंक आउट करने के बारे में सोचो। थिंक आउट का मतलब कैसा है कि सोचो कि क्यों मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, लॉजिकली सोचो। अब जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? आप बोलेंगे कि इंसान सोच सकता है जानवर नहीं सोच सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जानवर भी सोचता है। अब जैसे कोई भी जानवर ले लो, कोई कुत्ता ले लो, अगर उस पर कोई अटैक आता है तो वो एक सेकंड के लिए सोचता है इधर भागो उधर भागो क्या करो, फिर भागता है सोच के। किसी पर अटैक करना है तो सोच के अटैक करता है। आप देखोगे कि जितने भी हमारे जंगली जानवर है वो सब अपना शिकार करने के लिए सोच के शिकार करते हैं, लेकिन आदमी और जानवर में एक ही फर्क है कि जानवर जो है मतलब एनिमल्स दे थिंक बाय इंस्टिंक्ट, उस समय जो दिमाग में आता है वो करते हैं। और आदमी का क्या है, हमारा मेन का ऐसा है कि वी थिंक बाय रैशनल, हम थोड़ा सा सोच के ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ये जानवर और आदमी का फर्क है, दोनों सोचते हैं। जानवर जो है दे थिंक बाय इंस्टिंक्ट, और आदमियों का क्या है थिंक बाय रैशनल्स। तो इसलिए इतना ही फर्क है। तो हम अगर आदमी हैं, हम रैशनली सोच सकते हैं, तो हमको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम है क्या, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या, एक बात ध्यान में रखिए, अगर थिंकिंग क्लियर है, मैंने तीन पॉइंट आपको बताए हैं, योर अप्रोच, योर एटीट्यूड एंड योर थिंकिंग प्रोसेस, ये तीन चीजों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम है ट्राई टू थिंक आउट द प्रॉब्लम। थिंक आउट का मतलब है लॉजिकली उसके बारे में सोचो, और सोचने के बाद में उस पर सॉल्यूशन निकालो। सोचने से पहले ये तीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें है ये तीन चीजों पे वो बराबर अपना काम करता है। और एक बात आपको बताता हूं, हमारा ब्रेन जो है वो तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अवर कॉन्शियस, सेकेंड इज सबकॉन्शियस एंड थर्ड इज सुपर कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस माइंड मतलब कैसा? हम स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम क्लासेस में जाते हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम छोटे मोटे साइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, ये सब चीज़ें करते वक्त क्या होता है, हमको कॉन्शियस रहना पड़ता है। मतलब कॉन्शियस मतलब सीधा सीधा जो हम काम कर रहे हैं उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और काम करते हैं, और तभी वो काम हमारा हो पाता है। जैसे हम लोग टू व्हीलर चला रहे हैं तो टू व्हीलर चलाते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ता है कि क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, तभी हम बराबर चला पाते हैं, वरना अदरवाइज नहीं चला पाते। अब दूसरा है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, ये हमको कोई भी चीज करने के लिए हेल्प करता है। यू समझ लीजिए कि दैट इज अ वंडरफुल मीडियम बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड एन सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। अगर आपको अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे काम से अगर आपका काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो सबकॉन्शियस माइंड का आपको हेल्प होना। ऑर्डिनरी काम तो आप कर ही रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, वो सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा है कि उसको कोई भी काम करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, कि जैसे मुझे फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, उसको हर बार आपको बोलना पड़ता है, या बोलना पड़ता है कि मेरा मतलब है आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपको IIT करना है तो दिमाग में क्लियरली बोलते रहो सबकॉन्शियस, और क्या हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड ये ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप जो भी आप उसको बोलते हो अपने खुद से वो आप रिसेप्टिव है, वो एकदम वो बराबर रिसीव करते जाता है। आपने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, वो रिसीव कर लेगा। आपने बार बार उसको जब बुलाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, आपने बोला मुझे लॉयर बनना है, 50 बार 100 बार 200 बार 1000 बार जब आप बोलते जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड फिर क्या करता है कि इट अनलीशेस सम पावर्स, कि जैसे ही वो सोचता है तो आपके दिमाग में वो ऐसा भर देता है कि यस यू कैन बी अ गुड लॉयर नाउ। फिर क्या हो जाता है कि जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रिलीज करना चालू कर देता है, और रिलीज जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है आपको लगता है कि यस नाउ आई कैन, मैं अभी IIT के लिए जा सकता हूँ, मैं अच्छा लॉयर बन सकता हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ। आप क्या करोगे उसके बाद में बराबर अच्छी जगह पर आपकी एडमिशन हो जाएगी, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, और उस समय ऑल द वाइल आपका उसको समझाना आपको उसको बताना चालू है यस आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। अब डॉक्टर की तरफ जैसे ही जा रहे हो आप कहते हो कि नहीं मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है, आप IIT की तरफ जाते हो तो लगता है आपको मुझे बेस्ट इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ अच्छा अपना चालू करना है, वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपका दिमाग जो है वो उसी तरह से जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है आपके रास्ते में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं मेंटल हर्डल्स वो सब निकाल देता है और आपका दिमाग को फोकस करने के लिए हेल्प करता है। तो ये पहले रहा कॉन्शियस देन सबकॉन्शियस। तो जितने आप अपने आप को बता सकते हो ऑटो सजेशन दे सकते हो कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है, जैसे 5 बजे भी उठना है, सुबह 5 बजे आपको उठना है, क्या हो जाता है आप बार 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 बोलते रहो, इनिशियली अलार्म लगाओ कुछ दिन, और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे उठना ही है 5 बजे, कुछ दिनों के बाद में आप देखोगे 5 बज गए कि आपका माइंड आपको उठा देता है, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल है सुपर कॉन्शियस, और आपको सुपर कॉन्शियस माइंड, पहला हमने देखा कॉन्शियस माइंड, देन है सबकॉन्शियस और है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस का मतलब है जब भी आप कोई नई क्रिएटिव चीज करते हो, जैसे कोई रिसर्च करना है, कोई अच्छी किताब लिखना है, आपको नया कुछ तो भी अच्छा पेंटिंग्स बनाना है जो आज तक आपने बनाया, नए कंसेप्ट पे आपको बनाना है, जब भी आप इस तरह की कोई नई चीज करते हो स्टार्ट करते हो तो यू गेट कनेक्टेड विद द सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड किसका है, सुपर कॉन्शियस माइंड का मतलब यह है कि वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अब उसके साथ में तुम जुड़ जाते हो एंड ही हेल्प्स यू कि चलो इतनी सुंदर इतनी नई इतनी अलग चीज तुम करने जा रहे हो, चलो लेट मी हेल्प यू। तो वो इतने सुंदर आइडियाज आपको देता है, जैसे ही आपका वो पेंटिंग्स हो जाता है, जैसे ही आपका वो रिसर्च सामने आ जाता है, जैसे ही आपका वो बुक बन के तैयार हो जाता है, आपको लगता है यार ये मैंने बनाया, इतनी सुंदर चीज़ तो मैं नहीं बना सकता, देन ओनली यू रियलाइज कि यहाँ पर मुझे ऊपर से कोई हेल्प हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड। अब आप कहोगे कि सुपर कॉन्शियस माइंड आप में कैसा है, तो दोस्तों यू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जिसने भी ये यूनिवर्स बनाया है आप यूनिवर्स का तो पार्ट है, तो यूनिवर्स में जो चीज़ है वो आप में भी है। The only thing is that you need to explore that you have a connection with super conscious mind. आपको वो connections establish करना पड़ता है, और वो establish तभी होता है जब आप कोई extraordinary चीज़ करना चाहते हो, कोई extraordinary research करना है, बहुत outstanding किताब लिखना है, अपने अपने level से आप कोशिश करो तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाते हो। तो ये तीन चीज़ें हैं, level है हमारी brain की conscious, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप ऑलवेज सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस के साथ में कनेक्टेड रहते हो। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए, और अब एक बात, कॉन्सेंट्रेशन जब भी आप क्लास में बैठते हो तो एक बात ध्यान में, फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन रहा तो ही आप कुछ कर पाओगे। अगर फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा, सबकॉन्शियस का ऐसा रहता है कि अवर सबकॉन्शियस माइंड जो है इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग,
सुपर सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, जैसे आप बोलते जाते हो उसको, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे IIT जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए आपको सीरियसली उसे बोलना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करके बोलना पड़ता है कि यस ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, और बिलीफ रखो कि ये आप कर सकते। वो आपको हेल्प करने के लिए बैठा है, आपके दिमाग में इतने सुंदर सुंदर चीजें भर देगा वो, आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देगा कि जो आपको हेल्प करेंगे ये सब करने के लिए। तो दोस्तों जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पीरियड आपका नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए कॉन्शियस माइंड के साथ में रहिए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड और एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजेस के साथ, चीजों के लिए सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ में आपका कनेक्शन बना रहना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताइए, इतनी हम बात कर रहे हैं, उसी तरह से आप ध्यान में रखिए, प्रेयर्स हैं, मेडिटेशन है, ये सब चीजें हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन एनरीचिंग योर लेवल ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को अगर बढ़ाना चाहते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में थोड़ी प्रेयर करना सीखो, लोगों के लिए प्रेयर करो, अपने आप के लिए प्रेयर करो, मेडिटेशन करना सीखो। मेडिटेशन इज वन फाइन आर्ट जो आप जरूर सीखोगे। और एक बात ध्यान में रखिए, वेयर देयर इज अ विल, अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने एबिलिटीज पर विश्वास करें तो आप 100% कर पाओगे। और जो तीन चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपके बोल आपको जो मैंने पहले से ही बोला गया है, आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड और आपकी थिंकिंग प्रोसेस, ये तीन चीजों पे आपको काम करना है। और एक बात ध्यान में रखिए, देर इज नथिंग लाइक डेस्टिनी, डेस्टिनी वेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं रहती है। अगर समझो भगवान ने हमारे लिए डेस्टिनी हमारी पहले ही बना दिया रहता है तो हमको हाथ पांव ब्रेन देता ही क्यों, अगर उसने पहले ही डेस्टिनी बना के रख दिया है। समझो कि आपको जैसे इंजीनियर बनाने का है, ये पहले से कैसे तय होगा, ये पहले से तय नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको ब्रेन दिया गया है, हाथ पांव दिए गए हैं, आपके लिए स्कूल अरेंज किया गया है, आपके लिए कॉलेज अरेंज कर दिया गया है, ये सब अरेंज नहीं किया है, आपको आपके एफर्ट्स के भरोसे ये करना पड़ेगा। और ये सब आप तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव फर्म बिलीफ इन योर एबिलिटीज एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए घबराओ मत, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज की तरफ बढ़ना है तो एवरीथिंग 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 स्टार्ट्स विथ व्हाट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ जस्ट गेट गोइंग, लेट अस गेट गोइंग, काम शुरू करते हैं। अगर आप काम शुरू करोगे तो ही कुछ कर पाओगे लाइफ में, तो ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ही फियर निकलेगा और हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। आज इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाया, इतने सारे लोगों के बारे में बताया, और आज जितने भी चीजें हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के टेक्निक है, आप में एबिलिटीज हैं कि आप अच्छा से अच्छा कर पाओ, तो व्हाई डोंट यू हैव अ बिलीफ इन योर एबिलिटीज। अब ये एबिलिटीज पर का बिलीफ के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है ये मैंने पहले ही बताया। और तीन हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज बेस्ड ऑन 3 स्टेप्स ओनली। पहले स्टेप्स है द अप्रोच मस्ट बी पॉजिटिव, एटीट्यूड जो है आपका किसी भी चीज के लिए एकदम कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, डायनामिक चाहिए, घबराओ नहीं। और बस फिर बचता ही क्या है, थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारी, उसको पॉजिटिव रखो, लॉजिकल रखो, कोई भी चीज का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, इस बात के लिए आपको विश्वास रखो। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके सब लोग क्या करते थे, फर्मली बिलीव रखते थे अपने एबिलिटीज पर। 1/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इतना सब कुछ उसने जीत लिया था, क्या मजाक है, अपने एबिलिटीज पर विश्वास था इसीलिए वो ये सब कर पाया। तो आज जो भी टेक्निक्स आपको बताए गए हैं, अगर आप उस पर अमल करो, सोचो, तो ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है इट विल बी स्काई हाई। और स्काई हाई जिन स्टूडेंट्स का, जिन यंगस्टर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, दे वोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। एक बात ध्यान में रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ मैजिक, इट्स नथिंग बट अ मैजिक, यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट टू बिलीव इट। अगर आपको उस पर विश्वास करना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज है, तो पहले एक्सपीरियंस करो, तो ही आप बिलीव करोगे, तो ही लोगों को उसके बारे में बताओगे, इस मैजिक के बारे में। सो गो एंड गेट इट फ्रेंड्स। ये संडे आज हमने जो बात किया है, वी टॉक्ट अबाउट
सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं चाहता यह हूं कि पूरा आज का ये संडे से लेके तो नेक्स्ट संडे से आपको जो भी मेजर्स दिए गए सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने के लिए, यू विल डिस्कस अबाउट इट और पूरी तरह से सोचोगे, और सोचने के बाद में जो भी मेजर्स आपको बताए गए हैं उस पर काम करोगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आप बढ़ाओगे, इस बात का मुझे विश्वास है। चलो, फॉर दिस संडे ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट संडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।